हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ शालिनी मिश्रा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 26 जनवरी और हम आए हैं फार्म हाउस पे। और ये देखिए बाहू। हाँ अच्छा, तो यहाँ बाहू लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं और हम करेंगे छोटा मोटा कुछ पिकनिक टाइप का। मैगी बनाऊंगी मैं चूल्हे पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे वहाँ यहाँ क्यारियों में थोड़ी सब्जियाँ लगी हुई हैं, ये भी दिखाऊंगी मैं आपको तोड़ते हुए। और अभी हम फिलहाल चलते हैं टमाटर तोड़ने। तो हमने यहाँ पे टमाटर तोड़ लिया है और बाहू आपने क्या किया है? लकड़ियाँ इकट्ठा करी हैं। तो बस चलिए अब हम जा रहे हैं सेटअप तैयार करने। एंड जब मैं सब्जी साग तोड़ूंगी थोड़ा बहुत, जो भी सब्जी, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैं अभी सोच रही हूँ मैं कहाँ पे बनाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे जो लगे हुए हैं खेत, जो भी चीज़ मिर्ची वगैरह, तो यहाँ पे मैं चूल्हा बनाने के लिए सोच रही हूँ। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए ब्लॉग में। तो ये है हमारे मेहनती पति और यहाँ पे हमारा बन रहा है फार्म हाउस। और अभी ये जो सामने दिख रहा है ये है स्विमिंग पूल। और अभी ये स्ट्रक्चर एक्चुअली आप लोग को पूरा नहीं समझ में आएगा, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये स्विमिंग पूल है एंड उधर की तरफ पिलर्स पे बनेंगे रूम्स वगैरह। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम तैयारी करते हैं कुछ मैगी वैगी बनाने की। तो चलिए फिर बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। तो फार्म हाउस पे जाने के बाद बच्चे इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे ना, मैं ने कहा कि मेरा जो मेन मोटिव था आज वो बच्चों को देख के पूरा हो गया। वो इसीलिए लिए था कि बच्चे बहुत अच्छे से खेले कूदें। यहाँ पे भैया बर्तन लेके आ रहे हैं, मैगी का प्लान बन गया था। पहले मैंने सोचा था कि मैगी बनाएंगे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे जब देखा बहुत सारे स्टाफ हैं तो हमने कहा कि कोई नहीं, सबके लिए मैगी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं गाड़ी से सब्ज़ी वगैरह जो मैंने रास्ते से ख़रीदा था वो मैं निकालने जा रही हूँ। और गर्मी बहुत थी तो सब लोगों ने जैकेट वगैरह उतार करके गाड़ी में डाल दिया। शुभम भी गए थे मेरे साथ, भाई मेरा अभिषेक भी गया था, वो भी मेरा भाई है, हम सब लोग गए थे। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ गाड़ी से सब्ज़ी और इसके बाद से मैं चूल्हे पे बनाऊँगी मैगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं मैगी बनाने के लिए चूल्हे पे, क्योंकि ना मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, गांव और देहात की जो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैं ईंटे का ऐसे इस तरीके से चूल्हा बना रही थी और मैंने ना फर्स्ट टाइम ही ये ट्राई किया है। ये मतलब यहाँ पर भाई हेल्प कर रहा था मेरी भगोने का साइज़ देख के, तो यहाँ मेरे से बहुत अच्छे से नहीं बन पाया। तो मैंग भी आ गए बनाने, मैंग ने चूल्हा बहुत अच्छे से बना दिया। और यहाँ पे मैं बताया ना मैगी मैंने कम ही लिया था, तो यहाँ पे एक भैया हैं उनको मैंने बोला कि आप मैगी लेके आए, क्योंकि जो हमारे वहाँ लेबर काम कर रहे थे तीन वो थे और चार भैया लोग जो तालाब देखते हैं वो लोग भी थे। तो मैंने सोचा कि सबके लिए ही मैं मैगी बनाऊंगी, और जब अच्छा नहीं लगता है अकेले खाना और भैया लोग इतने ज़्यादा हेल्पिंग है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो यहाँ पर मैं शुभम को भेज रही थी भैया के साथ कि तुम जाके बाइक से भैया के साथ मैगी लेके आओ। तो यहाँ शुभम गया और तब तक मैं यहाँ पर टमाटर प्याज वगैरह जो भी वेजीज मतलब सब्जियां मुझे काटनी थी उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही थी। और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, इतना बढ़िया लग रहा था। तो हम लोग का फार्म हाउस लेने का मतलब ही यही था कि हम बहुत मौज मस्ती करें और पिकनिक टाइप का। तो ये कल छोटा सा पिकनिक हो गया और बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लेके आई थी। मैं अपने चारपाई डाल के वहीं पर आराम से वो बैठे थे, मैं यहाँ ईंटा लेके आई अपने लिए बैठने के लिए, ताकि मुझे बहुत ईजी हो आराम से बैठ के बनाने में। यहाँ अभिषेक जो है वो जला रहा है आग। भाई गांव की जो लेडीज़ होने होती हैं ना, उन्हें सैल्यूट है, वो कैसे काम करती हैं, बहुत मुश्किल होता है चूल्हे पे खाना बनाना। यहाँ मैंने गांव में देखा था कि मिट्टी का ऐसे लेप लगाते हैं बर्तनों पे जो ताकि बर्तन काला ना हो, तो वो चीज़ मुझे याद थी। तो यहाँ पे मैं लेप लगा रही थी कि ताकि बर्तन काला ना हो, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। और जितनी भी गाँव की लेडीज़ हैं आप सब लोग को सैल्यूट है, आप लोग बहुत मेहनत करती हैं खाना बनाने पर। और यहाँ पर बस मेरा जो गैस आग जो है वो जल गई और यहाँ पे मैंने भगोना चढ़ा दिया है।
उसके बाद से हमें आराम से यहाँ पे बैठ गई। तो मैं इधर ईटा लगा रही थी तो भैया लोगों ने कहा उधर मत लगाइए, धुआं जाएगा तो आप साइड में लगा लीजिए। तो बस मैंने कहा अच्छा कोई नहीं, तो मैं साइड में लगा लेती हूँ। और उसके बाद से ना फिर मैंने मैगी बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे शुभम जो है वो मार्केट से मैगी लेके आ गया। और तो यहाँ पे बन रही है मैगी और अभी हम जा रहे हैं खेत से साग तोड़ने। क्यों रो रहे हो? तो चलिए चलते हैं अब हम बथुए का साग तोड़ने। जो खेत का रास्ता होता है ना इतना ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा होता है, मेरा पैर भी मुड़ गया यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर आलू की खेती हुई है, आलू लगा हुआ है बहुत ढेर सारा, और यहाँ पे भी लगा हुआ है बहुत ही अच्छे से हुई है यहाँ पे आलू। तो हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है पूरा आलू का खेत ये पूरा, और जो कि बहुत ही अच्छा हुआ है, उसमें से मैं तोड़ूंगी भतुए का साग। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो अभी साग में तोड़ ही रही थी तब तक मैंने आवाज़ दे दिया कि मैगी हो गई है। तो यहाँ मैंने भैया लोगों से कहा पहले जो घर मतलब घर बना रहे, मैंने कहा भैया पहले घर में आप लोग को पहले मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने भैया लोगों के लिए मैगी सर्व करी और सबको मैगी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और आपको देख के भी लग रहा होगा कि बहुत ही देसी स्टाइल में स्पाइसी सा मैंने मैगी बनाया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी मैगी इंजॉय किया, सब लोग बैठ के एक साथ खाए और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे मुनमुन भी खेत में घुस गया और उनकी मस्ती हो गई। और अंदर जाओ, और अंदर हाँ कहाँ जा रहे हो मुनमुन? बस हाँ और अंदर जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी पत्ता गोभी तोड़ने के लिए, और आप देख सकते हो इतना मज़ा आया ना तोड़ने में। फर्स्ट टाइम मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैंने इस तरीके से गोभियाँ तोड़ी, तीन या चार तोड़ी थी। और उसके बाद से मैंने बनाए थोड़े रील्स वगैरह अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए। उसके बाद से बस हम लोग पैकिंग वैकिंग की और वापस से आगे घर। तो ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब।